गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड इवनिंग। मैं रोहित चौधरी, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अगर अनअकैडमी पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लें। अनअकैडमी प्लस पर हिस्ट्री सब्जेक्ट लाइव पढ़ाता हूँ मैं। वाकई आप लोगों का टारगेट है कि नेट JRF क्रैक करना है तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए। विदाउट प्लस के आपको मैटर नहीं मिलेगा और विदाउट मैटर के आप लोग आज की डेट में नेट क्रैक नहीं कर सकते। तो जुड़िएगा मेरे साथ रोहित सर 10, मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हुए पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए अनअकैडमी प्लस पर 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं रोहित सर 10। आपको याद रखना ये है कि देखो, लास्ट हमारी जो क्लास चल रही थी उस क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिए थे, लगभग अप्रोक्स 40 क्वेश्चन। ठीक है, एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें। अनअकैडमी पे आपको जुड़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपको क्लास की PDF मिलती हैं, MCQ होते हैं, PYQ होते हैं, और साथ ही आप अपनी कैटेगरी में पूरा जितने भी टीचर्स आपके साथ काम कर रहे हैं सबका वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा ये मेरा YouTube का शेड्यूल रहता है, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा ये मेरा अनअकैडमी का शेड्यूल रहता है, आप लोग मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको 1x1 इस तरीके से यहाँ पर समझनी है। कुछ बेनिफिट्स दिखाई देते हैं हमें प्लस के। लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर्स, डेडिकेटेड क्लास सेक्शन, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में, पूरी कैटेगरी में किसी के भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप घर से तैयारी कर सकते हो, EMI में पैसा दे सकते हो, फ्री स्पेशल क्लास ले सकते हो। खर्चे की बात कर लें तो 17 रुपये पर डे तक का खर्चा आता है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको इसी में मिल जाता है। तो रोहित सर 10 मेरा रेफरल कोड है, भूले नहीं, आप इस कोड को लगा करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। सल्तनत काल का मेरा टॉपिक चल रहा था, मैं बात बताऊं आपको, KVS, DSSB से लेकर स्कूल लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर तक का कोई भी एग्ज़ाम जो है, उन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, इवन नेट JRF भी इसमें आ जाएगा, उन सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस आप लोग कर सकते हैं केवल एक ही सब्सक्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बात करते हैं। देखिएगा, यहां तक अलाउद्दीन तथा बलबन दोनों ने किया था मंगोल खतरे का सामना। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 40 था जो लास्ट वीडियो में मैं आपको करा चुका था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है और आप लोगों को प्रयास करना है इस क्वेश्चन का आंसर देने का। ठीक है, चलिएगा बताइएगा। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या आंसर आएगा इसमें, 41 नंबर के क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? तो देखिएगा, यहाँ पर इसने स्टेटमेंट जारी किया है कि दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए उसने बाजार को सहना नामक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रखा। बिल्कुल फैक्ट सही है। सस्ते खाद्यान्न की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने आदेश दिया कि दुआब क्षेत्र से भू राजस्व का सीधा भुगतान किया जाए। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं, तो सी ऑप्शन हमारा 41 नंबर में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों कहेगा कि हिंदुओं के प्रति अनुदार होने के बावजूद निम्न में से किस शासक ने मुहर्रम और ताजिए निकालने पर रोक लगा दी थी? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी। तो आपको ये देखना है कि इनमें से राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक जो है आंसर आएगा। फिरोज शाह तुगलक वो व्यक्ति था जिसने मुहर्रम और ताजिए निकालने पर रोक लगा दी थी। थोड़ा सा आज की क्लास को एडजस्ट करें, ये क्लास लाइव ना होकर के मैंने प्रीमियर करवाई है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था और मैं आउट ऑफ स्टेट था, तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं छुट्टी ना करके आपको रिकॉर्डेड वीडियो करवा देता हूं ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लें इस क्वेश्चंस का ज़बरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 43 क्या कहता है आपका, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप, यानी कि सांकेतिक मुद्रा की बात कर रहा है। सांकेतिक मुद्रा तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। और 44 की बात अगर कर लेते हैं
तो 44 कह रहा है कि किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो सबसे अधिक समय तक किस वंश के शासन किया था, तो 44वें नंबर में आ जाएगा तुगलक वंश। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश क्या हो जाता है, तुगलक वंश हो जाता है। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, 45 क्या कहता है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, क्योंकि ये तो कहता था कि भाई हम खुद ही खलीफा हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी कहने वाला कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी कहने वाला था, अपने दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर इसने ये विचार त्याग दिया था। 47 की बात कर लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन के शासन में किसानों द्वारा दिए गए भूमि राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1, 2, 3 यानी तीनों स्टेटमेंट सही रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि निम्न में से किन सुल्तानों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था, तो आपको बताना है। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, तो ये तीनों आ जाएंगे इसमें, तो 1, 2 और 3 आंसर दिखाई देता है आपको। तो यहाँ पे क्या आंसर दिखाई देता है, 1, 2 और 4 आंसर दिखाई देता है। इसी तरीके से बढ़ते हुए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। और ये 49 कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान का सही क्रम क्या था, तो भैया चित्तौड़, मालवा और सिवाना, ये पहला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, यही विजय क्रम था। और इस तरीके से आप पहुंच जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 50 पर। आपको एक सूची सम्मेलन करनी है, और इस सूची सम्मेलन की बात करूं तो आपको ये बताना है कि तुगलकाबाद किला कहाँ है, लाल किला कहाँ है, हौज खास कहाँ है, द सिटी ऑफ सीरी कहाँ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखना है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन के थोड़े से ऑप्शंस मिसमैच हो गए, आप स्किप करिएगा इस क्वेश्चन को। 51 पे आ जाते हैं अपन लोग। ठीक है, 51 की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायान की उपाधि दी थी, तो रामचंद्र रावदेव, आप सबको पता है इसका आंसर, बहुत ही प्यारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। किस शासक ने कहा था मेरा साम्राज्य रूंगड़ हो गया है और किसी उपचार से ठीक नहीं होता, वैद्य सिरदर्द ठीक करता है, तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है, तो भैया ये किसका स्टेटमेंट था, मोहम्मद बिन तुगलक का। बड़ा दुर्भाग्यशाली था, सांकेतिक मुद्रा, राजधानी परिवर्तन, कराचल अभियान, ये जैसे बहुत सारे खुरासान अभियान, बहुत सारे दुआब में कर वृद्धि, बहुत सारे इसने प्रयोग किए लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो भैया 53 की बात कर लेते हैं आपसे। 53 क्या कहता है, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ आए हुए ही लिख दिया था, तो वो कौन था, शिहाबुद्दीन अल उमरी, ये भारत नहीं आया था लेकिन यहाँ का विवरण भारत का इसने बिना आए लिख दिया था। 54 की बात करें तो 1309 और 1311 के बीच मलिक कपूर को दक्षिण भारत में दो अभियान संचालित किए, इन अभियानों का महत्व तो इसमें ने तय की। 54 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें दिल्ली शासकों की ओर से उच्च कोटि की निर्भीकता और साहस की भावना प्रतिबिंबित हुई, बिल्कुल सही है। आक्रमणकारी अकूत दौलत के साथ दिल्ली लौटे, ये भी सही है। उसने नवीन भौगोलिक ज्ञान मिला, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को मलिक नायब या साम्राज्य के उपरांत के ओहदे पर पदोन्नत किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों स्टेटमेंट प्यारे बच्चों यहाँ पर सही हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं, तो 55 में ये एक स्टेटमेंट है कि मोहम्मद तुगलक ने कई विदेशियों, हिंदुओं, मंगोलों को तथा उच्च पद प्रदान किए थे। कारण बता रहा है कि वह सामंत दुर्ग को कभी दुर्बल बनाना चाहता था, वह सामंत दुर्ग को दुर्बल बनाना चाहता था, तो दोनों ही स्पष्टीकरण और कारण बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, तो 56 क्या कहता है कि कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़गढ़ अभियान में गया हुआ था, तो अमीर खुसरो।
उसके साथ चित्तौड़गढ़ अभियान में गया हुआ था। 57 की बात करें, 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तुर्क सेनापति जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था, सबको पता है बख्तियार खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। और 58 नंबर पे आ जाएं तो 58 नंबर की बात में बलवन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए थे और बगदाद खिलाफत का अंतिम मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी। इस क्या है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं कि ये अंतिम महानतम क्षति थी, इस वजह से इसने सिक्के जो है प्रतिबिंबित नहीं कराए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। और 59 की बात करें डियर स्टूडेंट, तो निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था, तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए जाएगा। और धीरे धीरे आप बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में एक योजना राजधानी परिवर्तन थी, जिसके संदर्भ में हमें गलत कथन का निम्न में से चुनाव करना है कि दौलताबाद नई राजधानी बनी दिल्ली राजधानी के रूप में और दौलताबाद इस्लामी संस्कृत का केंद्र बन गई, तो ये सब सही हैं। बट राजधानी परिवर्तन के कारण दिल्ली में हैजा फैलना था, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 61 की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। 61 क्या कहता है कि 1355 में पूरी की गई इब्न बतूता की कृति रेहला क्या है? तो भाई रेहला क्या है, ये एक आत्मकथा है, इब्न बतूता ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें इसने पूरा विवरण दिया है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं, रेहला किस शताब्दी में लिखी गई? तो 14वीं शताब्दी में। किसके द्वारा लिखी गई? इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई। और क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं बच्चों। 63 क्या कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चुनाव करें। गयासुद्दीन तुगलक के समय अपने समकालीन सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे। औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को हनूज दिल्ली दूरस्थ कहा था, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका अर्थ है दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्थ का मतलब दिल्ली अभी दूर है, ये इसका एक फेमस स्टेटमेंट है जो आपको दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे बात करेंगे, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार लिखें, तुगलक, लोदी, सैयद इलबारी और खिलजी। तो आपको बताना है सबसे पहले इनमें इलबारी तुर्क आए, फिर आपको खिलजी दिखाई देते हैं, फिर आपको तुगलक दिखाई देते हैं, फिर आपको सैयद दिखाई देते हैं और अंत में आपको लोदी दिखाई देते हैं। ये अगर कुछ नहीं है तो इस लोदी से ही सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में दो केवल डी ऑप्शन में आ रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपने 64 किया और क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि सूचियों को सही सुमेलित करो, 1296 मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही। 1336 हरियर ने विजयनगर राज्य की स्थापना की, 1398 तैमूर का आक्रमण, और यहाँ पे है 1504 सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना। तो 1, 2, 3, 4 के रूप में ये सब के सब सही है बच्चों, यहाँ पे मिलान कर लेना। रिवीजन करना है इन क्वेश्चंस का ज़बरदस्त तरीके से, वीडियो को लाइक करते चलें, वीडियो को शेयर करते चलें। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोई नामक एक नए विभाग को स्थापित किया था, जिसका मुख्य काम क्या था? प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना, ये इसका मुख्य काम था। क्वेश्चन नंबर 67 में वापस आपको सूची सुमेलन करनी है, और देखो चांदी का टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने, दीवाने कोई मोहम्मद तुगलक ने, दारुल सफा से संबंधित कौन है फिरोज तुगलक, और सेनाए मंडी से संबंधित कौन है अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी के साथ आप बढ़ जाते हैं 68 की तरफ। निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? आपको बताना है आशिका, नूह और सिपेहर, ये तीनों के तीनों रचनाएं किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं। 69 नंबर पे आ जाइएगा। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणालियों का प्रयोग किया गया था, किस में किया गया था? तो इल्तुतमिश के मकबरे में किया गया था। भित्ति मेहराब का प्रयोग सबसे पहले इल्तुतमिश के मकबरे में किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 70, तुर्क अपने साथ कौन से वाद्य यंत्र लेके आए? तो भैया तानपुरा और मृदंग को यहाँ पर ये तुर्क अपने साथ भारत लेके आते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी तरीके से 71 की बात करें, तो तारीख़ मुबारकशाही का लेखक यामा अहमद याहिया अहमद सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था?
तो आपको बताना है ये सैयद मुबारक शाह के शासनकाल में था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताना है 72 के लिए फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत से पृथक हुए प्रदेशों को पुनः विजित नहीं कर सका, उसमें सैन्य योग्यता का अभाव था। तो ये दोनों ही क्या है, स्टेटमेंट और कारण बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन 72 में आपको दिखाई दे जाता है। वहीं बात करें 73 की, तो अमीर खुसरो ने नू सिपेहर की रचना की थी, किस लिए की थी, भारत की प्रशंसा में। भारत की प्रशंसा में नू सिपेहर की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करूं प्यारे बच्चों, तो लज्जत सिकंदर शाही के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। इसकी रचना सिकंदर लोदी ने हिंदुओं को खुश करने के लिए की थी, ये गलत है। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 75। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कीली ये सही सुमेलित नहीं है, सीरी अलाउद्दीन खिलजी ये सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये सॉरी एक मिनट ऑप्शन नंबर बी एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। यहाँ पे सेकंड और थर्ड सीरी सही है, और जहाँ पना मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो दो स्टेटमेंट के कारण यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी। आपका क्वेश्चन नंबर 75 कंप्लीट हो चुका है, मैं बात करूँगा 76 पे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है। क्वेश्चन नंबर 76, तो पर्सी ब्राउन इसका आंसर आ जाएगा, मोती भी कहा है इसने, ठीक है। भारत में वास्तविक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में वास्तविक गुम्बद वाली प्राचीनतम अवशिष्ट इमारत कौन सी है, तो आपको बताना है कौन सी इमारत है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 में, तो वो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है। और क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें प्यारे बच्चों, तो 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच क्या सीमा हुआ करती थी। 78 की बात कर रहा हूँ, तो रावी नदी इनके बीच सीमा हुआ करती थी। वहीं 79 की बात करें, तो इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल कहा है, तो तुगलक काल, खिलजी काल, गुलाम वंश और सैयद वंश में से आपको आंसर देना है। तो खिलजी काल को जो है क्या कहा गया है, पर्सी ब्राउन के द्वारा मकबरों का काल कहा गया है। और इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं कि शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो आप लोगों को पता है किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो यहाँ पर किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, मैंने क्वेश्चन नंबर 79 करा दिया, 78 तो मुबारक खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये देखना है कि हम लोगों को आज 40 क्वेश्चन कंप्लीट मिल चुके हैं। दोस्तों मैं बहुत व्यस्त था और थोड़ा सा समय अभाव के कारण मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया, आप सबसे मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। बहुत कम टाइम में मैंने इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करूँ, तो टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में किस सुल्तान ने स्थापित करवाए थे, ठीक है, तो ये फिरोज तुगलक ने स्थापित करवाए थे, ठीक है, फिरोज तुगलक इनका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध 82 की बात कर लेता हूँ, 82 की बात कर लेता हूँ, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा किसका हो जाएगा, बलबन का मकबरा हो जाएगा। और वहीं 83 की अगर बात करते हैं, तो उत्तर भारत में इस्लाम को प्रतिष्ठित करने में एकता व्यवस्था का दूरगामी प्रभाव हुआ। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इस प्रथा के द्वारा सुल्तान तुर्की अमीर वर्ग को नियंत्रित करना चाहते थे, तो भाई साहब दोनों ही क्या हैं, सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं बच्चों, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिकंदर लोदी इसका आंसर है। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी इसका आंसर हो जाएगा। आप तो 85 नंबर में बहलोल लोदी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस 85 नंबर में आपने यहाँ देखा, ठीक है। 86 की बात कर लेते हैं, 86 कह रहा है कि निम्न में से किस शासक का राजत्व सिद्धांत तुर्क शासकों की निरंकुशता के विरुद्ध अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था, तो ये भी बहलोल लोदी हो जाएगा। तो बच्चों इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे हैं जिनको आप यहाँ के अलावा हमारी क्लासेज में अन अकेडमी पर फील कर सकते हो, तो आप लोग अन अकेडमी पर जुड़िएगा,
प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए आपको मेरी प्रोफाइल फॉलो करने के लिए आपको अनअकैडमी से लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना है, उसके बाद मेरी प्रोफाइल को सर्च करके फॉलो कर लेना है, अपना गोल चूज़ करना है, प्लस के सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, 12 मंथ का प्लान आप चूज़ करें 866 रुपये पर मंथ या वन टाइम पे करने पर 9000 समथिंग पेमेंट आती है, 10% डिस्काउंट इसमें आपको मिल जाता है मेरे रेफरल कोड रोहित सर 10 का, जिसे आप यूज कर सकते हैं, और 10% डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाता है आपके क्रेडिट्स का, ठीक है, HDFC बैंक और बजाज फिनसर्व के कार्ड से और किसी भी क्रेडिट कार्ड से आप EMI करा सकते हो, नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हो। देखिएगा 13 तारीख को या 12 तारीख को अनअकैडमी पर मैं एक एग्ज़ाम पैटर्न पर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लेने जा रहा हूँ, इसकी सूचना आपको एक दिन पहले दे दी जाएगी। तो सबसे रिक्वेस्ट है अनअकैडमी अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके मुझे फॉलो कर लें। उस क्लास का टाइटल होगा पेपर से पहले पेपर, यानी कि जो आपको पेपर मूल आपसे दिखाई देने वाला है उस पेपर से पहले मैं एक पेपर करवाने वाला हूँ, उस पेपर के आधार पे आपको आपका आकलन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो बच्चों बाकी मैं आप लोगों से थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए बोलूँगा, आज मैं लाइव उपस्थित नहीं हो पाया, सभी से बहुत क्षमा चाहता हूँ। आप सब लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।